क्योंकि अभी तो एंट्री अंदर दिया नहीं है जाने के लिए। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो गाइज, अभी हम लोग जा रहे हैं आदित्य महाविद्यालय कॉलेज भवाना, जहाँ पे पुष्पा का सेंटर है, DU सॉल का जो हम लोग एग्ज़ाम देने आए हुए हैं उसका सेंटर है। तो अभी चलते वही देखने, एग्ज़ाम तो कल से है 21 से, बट अभी जो है कि देखने जा रहे हैं, क्योंकि मेरा सेंटर अलग है, इसका सेंटर अलग है, तो मैं इसको दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे जाना है। तो इसीलिए आज चलते हैं कॉलेज देख के आते हैं एंड रूट देख के आते हैं कि कैसे जाना है, कहाँ से जाना है। बाय द वे, GTB नगर से अभी हम लोग संत नगर में, संत नगर से GTB नगर जाना है, फिर वहाँ से 30 किलोमीटर दूर है जो कॉलेज है भवाना, 30 किलोमीटर दूर है। पहले यहाँ से चलते हैं GTB नगर एंड वहाँ से सीधा चलते हैं कॉलेज, फिर आप लोगों को भी दिखाएंगे कैसे कैसे जाना है, क्या रूट रहेगा, सभी आप लोग को दिखाएंगे। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। तो अभी गाइस मार्केट में आ गए हैं रास्ते पे, अब यहाँ से लेते हैं मैजिक एंड यहाँ से चलते हैं आजादपुर। आजादपुर जाने के बाद हमें जाना है वहाँ से बस लेके डायरेक्ट अपने कॉलेज। तो यहाँ से पहले मैजिक लेते हैं और चलते हैं आजादपुर और वहाँ से सीधा अपने कॉलेज, एंड आप लोग को सीधा वहीं पर मिलते हैं। तो अभी गाइस GTB नगर बस स्टॉप पर उतर गए हैं एंड अब यहाँ से लेना है बस हमें भवाना स्कूल का, एंड यहाँ से बस लेने के बाद डायरेक्ट भवाना स्कूल उतरेंगे और फिर वहाँ से फिर 5 मिनट का रास्ता है आदित्य महाविद्यालय कॉलेज भवाना का। तो फिर बस यहाँ से भी बस लेते हैं और फिर चलते हैं सीधा कॉलेज एंड आप लोग से सीधा कॉलेज में मिलते हैं। तो अभी गाइज आजादपुर बस स्टॉप पे आ चुके हैं एंड अभी यहाँ से चलना है सीधे भवाना स्कूल। तो 106 नंबर की बस पकड़नी है हमें, तो जैसे बस आती है वैसे चलते हैं और फिर सीधा कॉलेज, और फिर आप लोग से सीधा कॉलेज में मिलेंगे वहीं पर। अभी बस का वेट कर रहे हैं एंड चेक कर रहे हैं कि कैसे जाना है कैसे नहीं। आज तो ऑलरेडी इतना लेट हो रहा है, बस लेट से आ रही है, समझ नहीं आ रहा कैसे जाना है कैसे नहीं। तो इसीलिए आज ही है कि मतलब पहले ही कॉलेज विजिट करके आते हैं ताकि कल प्रॉब्लम ना हो जाने में, और कल इसको अकेले ही आना पड़ेगा बिकॉज मेरा भी एग्ज़ाम है। तो मेरा कहीं और सेंटर है, इसका कहीं और सेंटर है, तो इसलिए मैं इसको इसका कॉलेज दिखा देता हूँ कि कैसे जाना है क्या रूट रहेगा, तो इसलिए आज आए हैं। तो चलिए चलते हैं और फिर आप लोग सीधा वहीं पर मिलते हैं। तो अभी गाइस बस में बैठ गए हैं और अभी सीधा चलते हैं भवाना स्कूल एंड फिर वहाँ से सीधा कॉलेज। बहुत देर के बाद, आधे घंटा वेट करने के बाद बस मिली है, कि एक दो बार तो गलत ही बस में चढ़ गए हैं, फिर उतरना पड़ा, फिर उसके बाद लास्ट में ये बस आई है। फाइनली गाइज आ चुके हैं आदित्य महाविद्यालय कॉलेज। अभी यहाँ से चलते हैं, देखते हैं अंदर अंदर जाने देंगे कि नहीं, बिकॉज एग्ज़ाम तो इसका कल है, बट आज विजिट करने आए थे कि मतलब कैसे रूट है, कैसे जाना है, क्या करना है, तो इसलिए। तो अभी देखते हैं अंदर जाके, अगर जाने देंगे तो आपको पूरा कॉलेज दिखाऊँगा कैसा है क्या है, अगर नहीं जाने देंगे तो बाहर से ही दिखाऊँगा और फिर पूरा सब कुछ पूछ लेंगे कि कैसे जाना है क्या करना है। फिर उसके बाद कल ये अकेले आएगी, अभी इसको दिखा दिया कि वहाँ पे कॉलेज है एंड कैसे करना है, तो अभी चलते अंदर और फिर आप लोगों को दिखाते हैं। तो गाइस ये रहा आदित्य महाविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली भवाना। अभी जस्ट 5 मिनट पहले ही आए हैं, अभी चलते अंदर पूछते हैं कि अंदर जाने देंगे या नहीं। चलो आ जाओ ना अंदर, चलो ना अंदर विजिट करते हैं। तुम जाके पूछो कि अंदर जा सकते हैं क्या, कल मेरे एग्ज़ाम है, अभी देखना है विजिट करना है, तो अंदर जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, ठीक है। तो अभी गाइस यहाँ पे पूछ लिए हैं कि कैसे करना है क्या करना है, क्योंकि अभी तो एंट्री अंदर दिया नहीं है जाने के लिए, बिकॉज एग्ज़ाम कल है और आज हम लोग बस विजिट करने आए थे। तो देख तो लिए यहाँ पे कॉलेज कि कॉलेज कहाँ पे है एंड बस डायरेक्ट सीधा कॉलेज पे ही आके रुकी है, तो उसके लिए टेंशन नहीं है, सीधा कल कॉलेज आएगी। एंड हम भी विजिट करने आए थे तो विजिट तो कर लिए, अब यहाँ पे कुछ खाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद सीधा निकलते हैं वापस घर के लिए, क्योंकि कल इसका 9:30 से एग्ज़ाम है, तो अभी घर पे जाके थोड़ा बहुत पढ़ेगी भी, क्योंकि पढ़ी तो है नहीं, तो थोड़ा बहुत पढ़ना भी है। तो अभी चलते हैं कुछ खाते हैं यहाँ पे। तो अभी गाइस यहाँ पे छोले कुलचे खाते हैं,
और फिर वापस चलते हैं घर के लिए। यहीं पे कॉलेज और कॉलेज के सामने ही बहुत सारे लोग लगा रखे हैं गोलगप्पा का स्टॉल, छोले कुलचे, चाउमीन, ये सब। हम लोग छोले कुलचे खाते हैं और फिर चलते हैं वापस घर पे। तो अभी गाइस यहाँ पे बस का वेट कर रहे हैं, बस आएगी फिर चलेंगे सीधा GTV नगर एंड वहाँ से सीधा अपने घर पे। पूरा देख लिए हैं कॉलेज कैसे है, कैसे एंट्री लेना है, क्या करना है, क्या क्या लेके आना है। तो अभी गाइस बस में बैठ गए हैं, आधा एक घंटा वेट करने के बाद बस मिली है। तो बस तो मिल गई है, अब यहाँ से जाने में 1 घंटा 30 मिनट लगेगा। तो 1.5 घंटे तक बस में बैठना है और फिर सीधा चलना है GTV नगर और वहाँ से सीधा घर पे। तो फाइनली गाइस उतर गए हैं बस से। बस 2.5 घंटा लेट कर दी, 2.5 घंटा, इतना ज़्यादा ट्रैफिक था तो थोड़ा परेशान हो गया। मैं तो सो भी गया बस में ही, और ऊपर से इतना ज़्यादा सर दर्द कर रहा है बस में बैठे बैठे, नींद लगी हुई थी वो अलग, सो गया तो उसके बाद सर भी दर्द कर रहा है। तो अभी चलते हैं घर पर, आप सीधे घर पर मिलते हैं। तो अभी गाइस यहाँ से मैजिक लेते हैं और फिर चलते हैं संत नगर अपने घर पे। तो फाइनली गाइस घर पे आ गए हैं, नाश्ता भी कर लिए हैं, खा भी लिए, और सर तो अभी भी बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है क्योंकि बस में बैठे बैठे इतना ज़्यादा थकान हो गया है, दिन भर घूमना हो गया, ट्रैवल में ही 4 घंटे लग गए हैं बस में ही, तो उसी वजह से सर दर्द कर रहा है। बाकी जिस काम के लिए गए थे, कॉलेज देखने के लिए, अपनी बहन को दिखाने के लिए कॉलेज की कैसे जाना है, कैसे कैसे जाना पड़ेगा, तो वो तो दिखा दिए एंड हम भी देख लिए, वो भी देख लिए अच्छे से। बस अब कल वो जाएगी एग्ज़ाम देने, वो भी अकेले, क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम है तो मैं भी एग्ज़ाम देने जाऊंगा, तो इसीलिए वो अकेले कल जाएगी। तो सारा कुछ दिखा दिया हूँ, सारा कुछ बता दिया हूँ कैसे करना है क्या करना है। बस इस ब्लॉग में इतना ही था, अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, अगर आपको इन्फॉर्मेशन इस ब्लॉग से मिला हो तो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए हमारे इस चैनल पर। थैंक यू।